पीएम नरेंद्र मोदी के यूरोप विजिट पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक में मैं आलोचना करूंगा और दूसरी बात में एक तारीफ भी करना चाहता हूं। एक छुपी हुई बात है जो कोई आपको नहीं बताएगा। पहले मैं कड़वी बात करना चाहता हूं, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि देश के अंदर आप विपक्ष को पानी पी पी कर कोस सकते हैं। इससे आपको चुनावों में फायदा होता है, खुद को महान दिखाने पर, विपक्ष को नालायक बताने पर देश की जनता आपको सर आंखों में रखती है। लेकिन सर, जब आप प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं तो आप केवल सत्ताधारी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, भारत के तमाम लोग सर्वोच्च सद्भावना राजदूत के रूप में विदेश जाते हैं। इन तमाम लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जो उनकी सरकार या विचारधारा का भी समर्थन नहीं करते हैं। तो कृपया करके एक तरफा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। जब आपने कहा था ना कि किसी भी पीएम को ये अब नहीं कहना पड़ता है कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ लेकिन लोगों तक केवल 15 पैसा पहुँचता है, ये आप विदेशी धरती पर जाकर के कह रहे हैं। ये कटाक्ष साफ तौर पर पीएम राजीव गांधी पर था। उन्होंने 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में अवसर पर मुंबई में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने प्रसिद्ध बहुप्रसिद्ध भाषण में कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था विरासत में मिली है जो एक रुपये भेजती है और 15 पैसे ही लाभार्थी को देती है। मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं लेकिन केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। और पता है राजीव गांधी उस वक्त ना विदेश में भी गए हुए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका गए, तो उन्होंने अपने देश के सिस्टम पर कमियों के बारे में बोलने से परहेज किया। अब आप किसी नेता को भी देखेंगे ना, किसी भी नेता को देखेंगे, जब भी वो विदेश जाते थे या दौरे पर जाते थे वो पिछली सरकार की कमियों को नहीं गिनाते थे, अपने विजन को बताते थे। आप ठीक है, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख सकते हैं। दूसरी बात, मोदी जी आपने अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रगति में एक बड़ी छलांग लगाने की बात आपने कही, उद्योग धंधे लगाने की आपने बात कही और कही माहौल देने की आपने बात कही, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव सरकार का उल्लेख आपने क्यों नहीं किया? और आपको पता होना चाहिए कि नरसिम्हा राव सरकार की नीतियों की वजह से ही आर्थिक उदारीकरण का एक नया जो युग था वो शुरू हुआ था। नरसिम्हा राव की सरकार गठबंधन की सरकार थी लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शानदार ढंग से अपना पूरा कार्यकाल किया था। इसमें तो किसी प्रकार की अस्थिरता देखने को नहीं मिली थी। क्या आप इसको अस्थिर सरकार कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि यूपीए सरकार पूरे 10 साल तक चली, और दो एक बात और समझिए, यूपीए सरकार 10 साल तक चलती है और जीडीपी को 2 आंकड़ों में ले जाती है। हासिल करने का एक अनूठा गौरव है उसके पास और उसी का फायदा पीएम नरेंद्र मोदी जी आप उठा रहे हैं, आपकी सरकार उठा रही है। इसके बावजूद 2 अंक की वृद्धि मोदी सरकार के लिए एक महज सपना, एक कल्पना बनी हुई है। दोहरे अंकों की जीडीपी हासिल ना कर पाने के लिए कोविड-19 का बहाना हमेशा नहीं बनाया जा सकता। कोविड-19 के बहाने से पहले भी अगर आप देखेंगे तब भी आपकी जीडीपी गिरती जा रही थी। इसलिए स्पष्ट होना चाहिए कि घर की राजनीति विदेश में करने से परहेज करना चाहिए और यही श्रेयस्कर है। अब इस साइड की मैं पॉजिटिव बात बताता हूं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जर्मन में बसे भारतीयों के एक बड़ी भीड़ को अपने इवेंट वाली शैली में संबोधित में खुद की तारीफों के पुल जरूर मोदी जी ने बांधे हों, लोगों ने, राजनेताओं ने इस इवेंट को एक नौटंकी भी बता दिया। लेकिन दोस्त, एक आंकड़ा, एक डाटा ये भी कहता है कि इस नौटंकी से वाकई भारत को लाभ होता है। किस तरह से लाभ होता है भाई? देखो, 2014 में प्रवासी भारतीय देश में कुल $66 बिलियन भेजते थे। कोविड महामारी के बावजूद 2020 में यह बढ़कर के लगभग $90 बिलियन हो गया। इसी अवधि में अगर आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह अगर देखेंगे तो $25 अरब से बढ़कर के $87 अरब हो गया है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी $330 अरब से बढ़कर के $630 अरब हो गया है। मार्केटिंग काम करती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। भले ही आलोचकों को लगे कि एक भड़कीला या फिर दिखावा, सब ड्रामा या फिर नौटंकी है, लेकिन लाभ भी होता है। लेकिन दो बात बिल्कुल क्रिस्टल होनी चाहिए थी, वो मैंने आपके सामने रखी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।